75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए संविधान को अक्षुण बनाए रखते हुए देश के विकास में योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम नागरिकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आइए हम सब मिलकर देश को सर्वांगीण विकास एवं उन्नति तथा लोकतंत्र की रक्षा करने हेतु और संविधान के रक्षा करने हेतु हम लोग आज संकल्प लें। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्यवासियों और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने डिप्लोमा इंजीनियर्स हमारे जितने भी सदस्य हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने संविधान का अनुपालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें और यह संविधान जो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा रचित हुआ है उस संविधान को हमें अक्षुण रखना है, उस संविधान के आधार पर हमें उसका अनुपालन करना है। जय हिंद। 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे समस्त राजद परिवार, पलामू जिला कमेटी, पलामू के सभी नेता गणों की ओर से सभी देशवासियों, झारखंड वासियों, सभी लोगों को राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी रांची महानगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर कुमार राजा की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए संविधान को अक्षुण रखने के लिए संकल्प ले। जय हिंद। आसू के केंद्रीय अध्यक्ष और शिली के विधायक सुदेश कुमार महतो की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड मूरी रांची झारखंड की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजभवन में हाईटी में शामिल होने के दौरान तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर अशोक चौधरी उनके स्थान बैठकर नीतीश कुमार को उनका भविष्य बताने लगे। रोहिणी आचार्य के ट्वीट को अशोक चौधरी ने दिखाकर राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। तेजस्वी से दूरी और बीजेपी नेताओं से नजदीकियां क्या कहती है, कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई राजभवन से। दरअसल बिहार में सियासी उलटफेर के बीच नीतीश कुमार राजभवन में हाईटी कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिहार की राजनीति में खूब चर्चा हो रही है। ये तस्वीर देखिए, नीतीश कुमार के बगल में बैठे हैं उनके खासम खास और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखा रहे हैं। हालांकि हो सकता हो कि नीतीश अपना भविष्य इसी मोबाइल फोन में देख रहे हों। क्या पता नीतीश ये देख रहे हों कि आगे उनका भविष्य क्या होने वाला है, एनडीए में जाएंगे, या ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार को लेकर न्यूज में क्या चल रहा है। हालांकि ये वक्त पर छोड़ देते हैं कि उन दोनों में क्या बातचीत हुई, लेकिन ये जो तस्वीर है उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। दरअसल हुआ ये कि राजभवन में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें शामिल होने के लिए ये नेता राजभवन पहुंचे। नीतीश कुमार, अशोक चौधरी, जितन राम मांझी और बीजेपी के और भी नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंच सके और तेजस्वी यादव की कुर्सी नीतीश के बगल में खाली की खाली रह गई। जब तेजस्वी नहीं पहुंचे तो मंत्री अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के लिए लगी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। कुर्सी पर बैठने से पहले अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के नाम की पट्टी हटा दिया और फिर वहां पर बैठकर नीतीश से बदकही करने लगे। लेकिन इस बीच अशोक चौधरी लगातार नीतीश कुमार को मोबाइल पर कुछ दिखाते नजर आए। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर नीतीश कुमार उस मोबाइल में इतनी देर तक टकटकी लगाए देख क्या रहे थे। कहीं नीतीश उस मोबाइल में अपने भविष्य को तो नहीं देख रहे थे। जो खबरें इन दिनों चर्चा में बनी है, कहीं नीतीश वो तो नहीं परख रहे थे। हालांकि ये तो नीतीश के मन में ही है कि नीतीश का अगला स्टैंड क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के बीच जुगलबंदी देखने को मिली और अशोक चौधरी के मोबाइल स्क्रीन में जिस तरीके से टकटकी लगाए वो देखते रहे, ऐसे में तो यही नजर आता है कि नीतीश ने अपनी प्लानिंग
कुल मिलाकर पक्की कर ली है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।